हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फीवर। आज मैं आप लोगों के साथ दो नए स्टॉक डिस्कस करूंगा जिसमें मैंने आज भी इन्वेस्टमेंट करी है। कल भी मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी थी बजाज इलेक्ट्रिकल्स में, जो कि आज भी 2.5% ऊपर की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। तो भाई, आज जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है बजाज कंज्यूमर्स में और दूसरा है रेमंड्स में। बजाज इलेक्ट्रिकल में तो मैंने एज यूजल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट इन सब चीजों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करी है, बट रेमंड स्ट्रेटजी बताऊंगा अपनी, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। तो उस स्ट्रेटजी को जानने के लिए बने रहिए, चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर के बारे में और रेमंड्स के बारे में। हम पहले इनका पास्ट रिटर्न देख लेते हैं कि इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है। अगर बजाज कंज्यूमर की बात की जाए तो इसने एक साल में 51% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 75% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। आगे बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, हम इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए, अगर प्रॉफिट की बात की जाए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस तो एकदम स्टेगनेंट है, कोई ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। 57 करोड़ का प्रॉफिट आया था सेप्टेम्बर क्वार्टर में, फिर उसके बाद 57, फिर 55, 49, तो ये एक स्टेगनेंट प्रॉफिट दे रहा है, कोई ज़्यादा उछाल नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। बात की जाए अगर इन्वेस्टर्स के बारे में तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बरकरार रखी हुई है 38.04 पे। FIIs ने अपनी होल्डिंग जो है पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है, 2.5 से 3% की होल्डिंग्स इन्होंने बढ़ाई है। DIIs ने थोड़ी घटाई है और पब्लिक ने भी थोड़ी, अदर्स पब्लिक ने भी थोड़ी घटाई है। बात की जाए दूसरे शेयर्स के बारे में, दूसरा शेयर है हमारा रेमंड। बात की जाए अगर रेमंड्स के बारे में तो रेमंड्स ने मैक्सिमम 364% रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और एक साल की बात की जाए तो 64% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। आते हैं हम आगे इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स में इसने इस क्वार्टर में इसका लॉस आया है ड्यू टू कोविड, कि कोविड में इनकी सेल्स नहीं हो पाई है। आगे हम बात की करें इसके अगर इन्वेस्टर्स की, कि इन्वेस्टर्स कैसे हैं, तो प्रमोटर ने इसकी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं जबकि वो भरोसा भरोसा दिखा रहे हैं अपनी कंपनी के ऊपर। FIIs ने भी 2% के लगभग लगभग स्टेक बढ़ाया है अपना, हालांकि पब्लिक ने घटाया है, पर FIIs और प्रमोटर जो हैं वो इसके ऊपर अपना पूरा भरोसा दिखा रहे हैं कि आगे चल के सेल्स होगी ये कोविड अगर ख़त्म हो जाता है तो। आगे बात की जाए टेक्निकल चार्ट की, कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है आज वो क्या क्या चीज़ देखते हुए करी है। पहले हम बात कर लेते हैं बजाज कंज्यूमर के बारे में। तो यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ देख सकते हैं पहले जो था यहाँ पर भी सपोर्ट 235 का सपोर्ट यहाँ पर लिया गया था 18-17 फेब के आसपास, और उसके बाद ये फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पर इसने 11 अगस्त के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, तो यह वही उसी रेंज में चल रहा है। तो आज जो इसने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको बाय करा है, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है इसी लेवल पे। तो ये मेरे मेजर ये रीज़न थे इसको लेने के लिए। तो जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सपोर्ट के नीचे रहेगा, 235 के नीचे, और मेरा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट मेरा जो रहेगा वो 280 का रहेगा, और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो 305 के अराउंड पर रहेगा। सो ये बात की हमने बजाज कंज्यूमर के बारे में। अब नेक्स्ट हम टेक्निकल चार्ट पे जो बात करते हैं वो करते हैं रेमंड्स के बारे में। रेमंड्स मैंने आज अलग तरीके से इसको शेयर को लिया है, जो मैं पहली बार आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लिया है मैंने मूविंग एवरेज के बेसिस पे। अब देखिए, अब ये अलग तरह की स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ पर्टिकुलर शेयर्स में, सारे शेयर्स में ये काम शायद ना करे। तो आज जो मैंने ये लिया है वो इस बेस पे लिया है। देखिए आप, जो ये 44 मूविंग एवरेज चल रही है, आज इस शेयर ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही इसने क्लोजिंग दी है मैंने इसी रेट पे इसको बाय करा है। ये मेरी आज स्ट्रैटेजी थी इसको बाय करने की। अगर हम पीछे इसको प्रीवियस बैक टेस्ट करें तो यहाँ देखिए, इसने नीचे से जब इसको तोड़ के नीचे गया है, फिर जब ये ऊपर आया इसने यहाँ पर बाय, यहाँ पर क्लोजिंग दी है 44 MA के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर इसने जब बाई, जब इसने क्लोज दिया है 11 मई को। ये देखिए 11 मई को इसने क्लोज दिया है,
इसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये देखिए कहाँ तक रिटर्न है, ये 35% तक रिटर्न है। हालांकि स्टॉप लॉस जो है हम मॉडिफाई करते रहते हैं। अगर अब इसकी रेमेंट्स की बात की जाए, अगर रेमेंट्स नीचे आता है तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा जो कि अराउंड 410 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा, जो कि फिर से 20 से 22 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो गाइस आई थिंक आपने सब सब समझ लिया है ये मेरी स्ट्रैटेजी कैसी थी। सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो मैंने ये नई स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर की है वो मैंने काफ़ी बैक टेस्ट कर रखी है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो सारे शेयर्स में काम करेगी। सो गाइस अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।